हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। शुक्रिया आपका, आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा सर, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म बनाई मैंने इसलिए है कि लोगों को फिल्म पसंद आए, भोजपुरी का ट्रेंड कुछ चेंज हो। सबसे बड़ी बात ये की है कि मेरी बहुत कोशिश ये रहती है कि सिनेमा को खूबसूरत बनाया जाए। आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सेविंग एकदम हीरो बन के आए। अरे रामचंद्र और संजय दोनों मेरी खींच रहे हो, कहाँ से आए भाई? ऐसा तो नहीं कि आप अमृत वाली मेरी फिल्म की हीरोइन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ संजय दोनों किधर है। नहीं सर, दज के तो मैं ऐसे रहते हैं, कभी कभी गाँव धूप तो कभी छाँ। अमृत वाली बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी फिल्म में काम किया है, बहुत कोऑपरेट किया है और इस बार उन्होंने जो काम किया है मुझे बहुत हार्ट दिल को लगता है, दिल को लगता है, समझ लीजिएगा दिल को लगता है, दिल को लगता है हमारे प्रोड्यूसर को। दिनेश जी तो नाइस नेचुरल है। दिनेश जी जो एक्टिंग की है इस फिल्म में, मुझे लगता है इससे पहले उन्होंने इस तरीके से ये किरदार ही नहीं है। ये एक्टिंग जो की एकदम नेचुरल एक्टिंग की है। एल एपी नोट समझते हो आप? एल एपी चो की ही कभी। ये भोजपुरी सिनेमा की पहली बायोपिक फिल्म है जो आप बना रहे हैं? हाँ, पहली बायोपिक है और बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है मैंने भोजपुरी का ट्रेंड बदलने के लिए। मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि एक बार फिल्म थिएटर में जाकर जरूर देखें। और बहुत महंगी फिल्म बनाई है और ट्रेलर आपने देखा है, अब ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि मैंने किस लेवल पर जाके इस फिल्म को शूट कराया है। और लखनऊ में बहुत दिनों तक शूटिंग की है। संजय तो हमारा घर का प्यारो है, कुछ भी बोल सकता है, और रामचंद्र प्रोडक्शन का प्यारो है, कंपनी का, दोनों घेरे हुए हैं, जो मर्जी आ रहा था सवाल कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे जो बायोपिक है वो किसके ऊपर, किनके ऊपर बनी है ये फिल्म? वहाँ के चंपारण के रॉबिन हुड हैं, उनके ऊपर फिल्म बनी है और डीडी के नाम से उनको लोग जानते हैं, और नाम वो ओपन तो कर ही दिया, डीडी के नाम से जानते हैं। तो उनकी भी कुछ झलक दिखेगी इस फिल्म में? या पूरी झलक दिखेगी, पूरी फिल्म ही उनके ऊपर पूरी झलक दिखेगी। और एक रॉबिन हुड कैसा एक होता है वो पूरा दिखाया है, कोशिश की है। ये फिल्म जब बन रही थी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उससे बात नहीं, वो शायद अब हैं ही नहीं यहाँ पे, उनके घर में संतोष जी ने बात की है और उनसे इंस्पायर्ड है एक्चुअली इवेंट। म्यूजिक हमारे वीएलडी ग्रुप का है, लियाकत भाई ने बड़ी मेहनत की है इसमें, और म्यूजिक आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, बहुत खूबसूरत म्यूजिक बना है। और भोजपुरी ट्रेंड को बदलने की हमने कोशिश की है, जो गानों में वलगलती रहती है, लोगों को गंदे मन के गाने लगते हैं, ऐसा लगता है वैसा लगता है, भोजपुरी के बारे में लोगों की जो सोच है उस सोच को बदलने की हमने बहुत कोशिश की, बेहंतिया कोशिश की। कोई नहीं, आज तक मैंने कोई ऐसा सिनेमा किया ही नहीं, और भोजपुरी की ये पहली ऐसी बायोपिक फिल्म है जिसे आपको देख के लगेगा कि भोजपुरी को शायद बदलने के लिए कोशिश की। स्पेशल गेस्ट तो हम कितने लोगों के नाए, बहुत से लोग, बहुत लोग थे, जैसे असलम भाई थे, माधवी ताई थी, समीर भाई थे, नगर सेवक और थे एक दो, और अभिजीत राणे थे। स्पेशल गेस्ट तो संजय भी आ रहे, संजय भी भूषण भी है हमारा स्पेशल गेस्ट, तो संजय भूषण है। इंशाल्लाह वैलेंटाइन डे को फिल्म रिलीज करूँगा ऑल ओवर इंडिया और सुबह 7 बजे यूट्यूब पे ट्रेलर देखूँगा। नेक्स्ट धमाका है दीवार, केसारी लाल, फरवरी एंड में शूट एक्चुअल में क्या है, अमिताभ जी को मुकद्दर, मुकद्दर के सिकंदर, फिर दीवार। अमित जी एक्चुअल में क्या है, मेरे माँ के बहुत फेवरेट स्टार है, मेरी माँ उनको बहुत पसंद करती है, तो अब कम से कम उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ तो उनके टाइटल को ही शूट करूँ। दीवार में भी उसी तरह से, हाँ माँ के लिए एक्चुअल में मेरी माँ के फेवरेट एक्टर।
ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरी फिल्म को पसंद करें, मेरी फिल्म को देखें। मेरी फिल्म में मैंने बहुत मेहनत की है, ऑडियंस मेरी फिल्म को देखेगी, लोग पसंद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी है। इस फिल्म में हीरो हीरोइन ने बिना मेकअप काम किया है, सारे आर्टिस्टों ने बगैर विदाउट मेकअप काम किया है। फिल्म में फर्स्ट बायोपिक है, इससे पहले भोजपुरी में किसी ने भी इस तरीके का काम करना ही नहीं चाहा, किसी ने रिस्क लेना ही नहीं चाहा। कैसे किसी को रेडी कर लिया बिना मेकअप आपको काम करना है? ये तो प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के बीच की बात है, ये सब बोला नहीं जाता है। हाँ तो भाई के साथ आर्टिस्ट हैं मेरी फिल्म में, वो पैसा दिया ना, 20 लाख रुपए दिया है, 21 लाख दिया, रेट बढ़ा दिया, हाँ 21 लाख दिया है ऑन साइनिंग, बहुत कुछ। और आप देख के आपको कैसा लग रहा है? लगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 करोड़ रुपए भोजपुरी में, कोशिश करो भोजपुरी सिनेमा 40 करोड़ का बने, 50 करोड़ का बने, और अच्छे प्रोड्यूसरों का सपोर्ट करो, अच्छी फिल्में बने, अच्छा काम हो। भोजपुरी को जो लोगों की भोजपुरी के बारे में सोच है उसको बदलना बहुत जरूरी है। 2-4 अच्छे सिनेमा आएंगे, यहाँ बड़े खूबसूरत प्रोड्यूसर आए, विमल जी आए, प्रियंका जी आई, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर इसमें आए, NR पचासिया साहब आए, उनमें से हम अपना नाम लें तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी बॉलीवुड से आया हूँ। तो प्रोड्यूसर का बचना बहुत जरूरी है यहाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री अगर कोऑपरेशन करेगी ना इस प्रोड्यूसर को तो बड़े सिनेमा बनने का पूरी उम्मीद है। पवन जी से बात चल रही है मेरी फिल्म सिलसिला इंशाल्लाह जो इसमें भी अमिताभ बच्चन बात चल रही है यूट्यूब पे चैनल पे देखेंगे इंटरटेनमेंट भोजपुरी चैनल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.